नमस्कार पशुपालक साथियों, आज का ये छोटा सा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। और बाबा जी के आपने जो है बाबा जी को देखा सामने वीडियो में, गुरुवाली फार्म से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स भी आ रहे थे लाइव मिल्किंग में, और वैसे भी बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर जो है वो अपने पशुओं को क्या खिलाता है। साथ ही हमने कुछ सैंपल भी डाल रखे हैं तसले में, उनके बारे में भी पूछेंगे। सबसे पहले बाबा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, संत श्रीवाल जी, जी आया नू और ताडे सभी व्यूअर्स को सत श्री अकाल, राम राम और आदाब भाई। तो बाबा जी, ये जो आपा वीडियो शूट कर रहे हैं, इसे बहुत सारे भाइयों का एक किस्म से भलाई होने वाला है और कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे थे। तो ये बताइए कि सबसे पहले तो अपने पशुओं का जैसे फीडिंग शेड्यूल, कई भाई दिन में चार टाइम भी चरा देते हैं, कई तीन टाइम, कई दो टाइम, पहले उसी से शुरू करते हैं भाई। जो मेन कोर्स है ना वो, हाँ हाँ, वो तो हमारा दो टाइम का है, चाहे मिल्किंग चल रही हो चाहे ना चल रही हो। हाँ हाँ। और थोड़ी सी चीज एक्स्ट्रा जरूर देते हैं, वो रात को देते हैं, वो भी आपको बता देंगे। हाँ हाँ। उसमें क्या देते हैं भाई? ठीक है, वैसे तो मेन कोर्स में तो आप जे देखो, हाँ हाँ, ये गेहूं का दलिया है और हाँ, इसमें हल्दी मिक्स करके जो येलो कलर का हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। और इसमें सरसों है, सीरा है, गुड़ का मलाइसिस है, हाँ, मीठा सोडा है, नमक है और DCP है। और सर्दी में हम हल्दी के साथ अलसी जो होती है, अलसी फ्लैक्सीड बोलते हैं शायद, इंग्लिश में। हाँ जी, इंग्लिश में। ठीक है, वो भी डाल देते हैं 1.5-2 किलो फी क्विंटल जी। ये 50 किलो सभी इतने भैंसों को डालता है, गाय को नहीं डालता जी। ठीक है, ये 50 किलो का कट्टा जे डालता है, 50 किलो जे चूरी चल चढ़े की चूरी है, और जे चोकर तो नहीं इसमें डालते जो भिगोते हैं, ये तो रात को एक्स्ट्रा जो देते हैं ना उसमें डालते हैं, और जे बिनौला खाला है भाई, और जे चने का छिलका है। और वैसे मेन तो भाई आम तो जो बहुत ज्यादा दूध नहीं लेने वाले, वो तो चूरी, बिनौला खाला और चने का छिलका या केला डालें, भिगो कर डाल दे तो भी ठीक है। गेहूं का दलिया तो हम ना प्रोसेसिंग जो फीड फैक्ट्री नहीं, आम लोगों ने लगाया मिक्सर वगैरह, वहां से जाके मिक्स करवा के, क्योंकि इसमें मीठा सोडा भी ऐड हो जाता है, रोज कोई ज्यादा डाल देगा कोई कम डाल देगा, नमक भी और एनर्जी का सोर्स है सीरा मोलाइसिस, वो DCP सारा कुछ, इसलिए वहां से मिक्स करवा के ले आते हैं भाई। ठीक है, तो ये तीन आइटम जैसे जो कम दूध वाली भैंसे हैं उनको बिनोले की खल, चने का छिलका और ये डाल दें, बाकी आप रूटीन में इसको शाम को यूज करते हैं। और ये 50 किलो ये और 50 किलो ये 40 किलो, ये 40 किलो, लगभग ये 2 क्विंटल के आसपास फीड हो गए। 2 क्विंटल और ये भैंसे 23-24 भैंसे अब, और है, बच्चों को भी थोड़ा बहुत डलता है भाई। ठीक है, और ये अभी जो बाकड़ी होती है को 3-4 डलता है, तो 4-5 किलो भी जो ताजी भाई 8-10-12-13 जितना भी कोई खा जाए भाई। ठीक है, और ये इस तसले में आप क्या डाल रहे हैं? ये भाई सरसों की खाल है पीसी हुई। अच्छा, पीसी हुई है। और ये तारा मीरा है। ठीक है, तारा मीरा ज्यादा ब्रीक करते हैं और इसमें से तेल निकलाता है, इसमें ऐसे इतने ब्रीक होता है। ठीक है, इसमें तेल नहीं निकला हुआ? नहीं, तेल नहीं निकला भाई। ठीक है, वैसे ग्रैंड ये मिनरल मिक्सचर है। ठीक है, ये मिनरल कोई भी कंपनी का यूज कर ले। ये आप किस क्वांटिटी में देते हैं एक पशु? ये भाई 1 किलो सरसों की खाल, हाँ हाँ, और 1 मुट्ठी जे और 1 मुट्ठी जे। ठीक है, 1 मुट्ठी तारा मीरा, 1 मुट्ठी मिनरल मिक्सचर, और इसको चोकर में मिक्स करते हैं भाई। ठीक है, चोकर जो गेहूं का चोकर है, और सर्दी में जब हरा चारा कम होता है ना भाई, उस टाइम रात को तूड़ी फिर डाल के ना, सूखी तूड़ी, उसको थोड़ा सा गीला करके चोकर के साथ, एक मसूर की सूड़ी आती है हमारे इधर, ETC मतलब कंपनी का नाम निकल गया, पर मसूर की सूड़ी आती है, वो भी साथ में ऐड कर देते हैं, सिर्फ सर्दी। ठीक है, ठीक है, और गर्मी में नहीं करते, गर्मी में सिर्फ ये गेहूं का चोकर और ये 3 आइटम साथ में रात को ये डाल देते हैं अपनी भैंसों को, रूटीन में यही डाइट यही डलती है। ठीक है, और सर्दियों में जब फ्री होता है, जब भैंसे दूध ज्यादा दे रही है, तब कभी OT डाल दी, कभी कुछ मसाला डाल दिया, वो तो भाई शौक के काम है, जो मर्जी खिलाए चलो इनको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि ये जो आपने इस तसले में जो ये बताया ना, ये बहुत सारे भाई बताते नहीं है इस तरह की बातें। नहीं भाई, हमारा तो ना देखो सारा कुछ खुला है, ना तो हमारे भैया किसी को रोकते हैं हवेली में आने के लिए, कोई भी कोई ऐसा दरवाजा नहीं लगाया अभी जिसको दूसरे को लॉक रखते हैं, खोल के रखते हैं, सारा दिन दरवाजे दोनों ही हवेली के खुले रहते हैं। हाँ हाँ। जो मर्जी आके पूछ ले, देख ले, यदि हम परिवार में से कोई मिल गया वो बता देगा। हाँ हाँ। नहीं तो जितना भैया लोग को पता होगा,
मतलब जो काम करने वाले हैं वो भी वैसे तो मैं तो समझ असल मालिक तो वो ही है भाई। हम तो ऐसे लोग हैं, खेती का काम भी ज्यादा है और पब्लिक रिलेशन भी हमारे बड़ों के कारण और कुछ रिश्तेदारी भी ऐसी है, कोई मैरिज आ गई, कोई खुशी गमी के प्रोग्राम आ जाते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। बाकी असल तो पशुओं की देखभाल ये लोग करते हैं भाई, जिनको हम लोग काम वाले बोलते हैं, पर मैं समझता हूँ असल मालिक ये है। बिल्कुल। और हमारे बड़े जो बोलते भी थे कि कोई भी आदमी कहीं भी कोई काम करे ना, वो नौकरी समझ के ना करे, वो अपना काम समझ के करेगा ना, किसी दिन परमात्मा उसको उस नौकर से मालक की सीट पर बिठा देगा, जो मालक समझ के काम करेगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। नौकर ना बन के काम करे, ये ना देखे मेरा टाइम हो गया, जहाँ आज ज्यादा मेरे को काम हो गया, कल नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो ऐसे सोचते वो तो वही रह जाते हैं। और जो ये सोचते भी ये मेरा काम है, उसको परमात्मा बहुत देता है और बहुत तरक्की देता है, और परमात्मा किसी दिन मालक ही बना देता है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नमस्कार नमस्कार।